राज्यपुर में जीए इंटर कॉलेज मतगणना केंद्र पर 14 टेबल पर एमएलसी चुनाव की गिनती शुरू हो गई है और कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जिनके भाग्य का फैसला आज होना। मतगणना केंद्र पर डीएम एसपी मौजूद हैं जो पूरे मतगणना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। और ये तस्वीरें आपको हाजीपुर से दिखा रहे हैं, जहां मतगणना केंद्र पर डीएम और एसपी मौजूद है जो कि पूरे मतगणना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि हाजीपुर में जीए इंटर कॉलेज मतगणना केंद्र पर 14 टेबल पर एमएलसी चुनाव की गिनती शुरू हो चुकी है और कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और आपको बताते चले कि जिनका भाग्य का फैसला आज होना है और सुरक्षा की बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं डीएम एसपी भी मौके पर मौजूद हैं जो तमाम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मतगणना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे से धारा 144 लागू है। और ये बड़ी खबर हाजीपुर से सामने आ रही है, जहां हाजीपुर जी इंटर कॉलेज मतगणना केंद्र पर हंगामा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की हाजीपुर से बता रहे हैं, जहां हाजीपुर जी इंटर कॉलेज मतगणना केंद्र पर हंगामा की खबर सामने आ रही है। मतगणना केंद्र के अंदर मतगणना एजेंट ने हंगामा किया है, तो ये बड़ी खबर आपको हाजीपुर से बता रहे हैं। और देखिए, मतपत्र पर निशान को लेकर ये पूरा हंगामा किया गया। बिहार एमएलसी की मतगणना लगातार जारी है और हाजीपुर से हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, हंगामे के पीछे की क्या कुछ वजह? जी देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ जो काउंटिंग चल रहा है, जीए इंटर कॉलेज पे मतगणना शुरू हुई है और मतगणना अभी शुरू हुई है। बंडल बनाकर मतगणना का कार्य जैसे ही शुरू किया गया तो उसमें जो मतपत्र में जो लाइन खींची जाती है उस लाइन को लेकर टेढ़ी और जो हल्का खींचा हुआ लाइन है उसको लेकर जो काउंटिंग एजेंट है उन लोगों ने हंगामा किया है। मौके पे डीएम और एसपी भी मौजूद हैं, लोगों को समझाने का, जो काउंटिंग एजेंट है उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोग जो राजद प्रत्याशी हैं उनके जो काउंटिंग एजेंट है उनके तरफ से ये हंगामा किया गया है। उन लोगों का जो आरोप है वो आरोप है कि कुछ जो काउंटिंग जो कर्मी है, मतगणना कर्मी है, उनके द्वारा जो है जो लाइन खींची गई है, जो हल्का लाइन है या जो टेढ़ी लाइन खींची गई है उसे रद्द करने को लेकर ये हंगामा हो रहा है। उन लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो मतगणना कर्मी कुछ मतगणना कर्मियों पे उन लोगों ने आरोप लगाया है कि वो पक्षपातपूर्ण काम कर रहे हैं, जिसको लेकर जो डीएम यहाँ पे उदिता सिंह है वो वहाँ पे मौजूद हैं और मतगणना केंद्र में अभी पहुंची हैं और जो मतगणना कर्मी हैं उनसे बात की जा रही है और जो हंगामा कर रहे हैं कुछ लोगों को, जो ज्यादा हंगामा कर रहे थे उन लोगों को बाहर भी निकाला गया है और जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को यहाँ बुलाया गया है। कहा गया है कि आप यहाँ खुद मौजूद रहें और अपनी देख रेख में जो है मतगणना का कार्य जो है वो सम्पन्न कराएं। जी प्रफुल्ल, इसकी वजह से कब तक काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो बाधित रहेगी या फिर काउंटिंग अभी भी जारी है? जी फिलहाल जो है कुछ देर के लिए मतगणना का काम जो था वो रुक गया था, लेकिन डीएमएसपी यहाँ पहुंचे उसके बाद पूरे मामले की जांच की गई और पूरे मामले की जांच करने के बाद जो है अब मतगणना का काम जो है वो धीरे धीरे शुरू कर दिया गया है और मतों की जो गिनती है वो फिर से शुरू कर दी गई है। कुछ देर के लिए मतगणना का रुका था लेकिन फिर से मतों की गिनती जो है वो शुरू कर दी गई। चलिए प्रफुल्ल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हाजीपुर से बता रहे हैं, जहां पर हाजीपुर जीए इंटर कॉलेज मतगणना केंद्र पर भारी हंगामा हुआ। काउंटिंग सेंटर के अंदर मतगणना एजेंट ने यह हंगामा किया है और मतपत्र पर निशान को लेकर यह पूरा हंगामा किया गया। बिहार एमएलसी चुनाव की मतगणना जो है वो लगातार सुबह 8 बजे से जारी है और इसी को लेकर यह हाजीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर काउंटिंग सेंटर पर भारी हंगामा हुआ। हालांकि अभी सुचारू रूप से काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो देखिए, हाजीपुर से ये बड़ी खबर, जहां मतगणना केंद्र के अंदर हंगामा हुआ है, मतपत्र पर निशान को लेकर ये हंगामा हुआ है।